कोरोना वायरस की महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन का सख्ती से प्रशासन द्वारा पालन कराया जा रहा है, लेकिन यहां हम आपको बता दें कि स्थानीय व्यापारी दुकानों को खोलने की परमिशन को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि लोगों को अब प्रशासन का भी भय नहीं है, लोग आपस में मिलकर खड़े हैं और कोरोना जैसी महामारी को सिर्फ एक मजाक बनाकर रख दिया है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से एक दूसरे से सटे खड़े हैं। जब इस विषय में उप जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का जनता पालन नहीं करेगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अब देखना यह है कि यह कार्यवाही कब तक अमल में लाई जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग की काशीपुर में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आजकल परमिशन के लिए एसडीएम ऑफिस आ रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से कुछ दुकानों की खोलने की परमिशन है, किसी व्यक्ति को कहीं जाना है उसकी परमिशन है। इसके अलावा कृषि कार्य के लिए भी कुछ परमिशन के लिए लोग आ रहे हैं और भी काफ़ी लोग आ जा रहे हैं सुबह में। इसके लिए व्यवस्था की गई है कि गोले बनाए गए हैं सुबह को, एक पर्याप्त दूरी के अनुसार खड़ा रहने के लिए बार बार निर्देशित किया जा रहा है, उसके लिए व्यवस्था भी की गई है। सर, बावजूद उसके एसडीएम ऑफिस में यही डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कि हमारे मोबाइल में भी वीडियो कैमरे में कैद हुआ है, क्या कहेंगे? लोगों को बार बार समझाया जा रहा है, यदि इसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको बताया जा रहा है कि यदि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो स्वयं उनके लिए ही एक रिस्क उत्पन्न होता है तथा अन्य लोगों के लिए रिस्क उत्पन्न हो सकता है।